हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनोज शर्मा। अभी हमने सेट वन को सॉल्व किया था, अब सेट टू की बारी आ गई। सेट टू को करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन से देखते जाओ, मैं करता हूं। पहले एमसीक्यू करते हैं। उसमें लिखा है मानस माली पार्टनर दे रखे हैं, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बता रखा है और यह हिडन गुडविल का केस है। इसमें हमने क्या करना था, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म बनानी थी 2 लाख इंटू कर देंगे उसके शेयर से, रेसिप्रोकल करेंगे 4/1, तो 8 लाख आएगी। 8 लाख में से तीनों की कैपिटल आप माइनस कर दोगे तो 1,50,000 आ जाएगी। तो पहले का आंसर आ जाएगा डी। सेकंड की बात करते हैं। सेकंड में कह रहा है वो 3/7 शेयर के लिए आ रहा है नया पार्टनर। दो पार्टनर ऑलरेडी है, मिनी और मानसी, और उसमें निशा एक अलग पार्टनर एडमिट हो रही है। क्या था उसका 3/7? देखो शॉर्टकट ट्रिक भी अपनाया करो, जो आंसर दे रखे हैं उसमें चेक कर लो 3/7 किसके अंदर आ रहा है, डी के अंदर आ रहा है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, डी। ये रहा डी। सेकंड की बात करते हैं। नित्या सुमन और उसके बारे में बता रखा है ऑन द डेट ऑफ सुमन रिटायरमेंट, रिटायरमेंट हुई है। वो पूछता है उसके अमाउंट को कहां पर ट्रांसफर करते हैं, उसके लोन अकाउंट के अंदर। तो आंसर ढूंढो ए, सेकंड का आंसर आ जाएगा ए। थर्ड की बारी करो। थर्ड में असेट्स परचेज हुई है और ये क्वेश्चन में पूछता है नंबर ऑफ डिवेंचर कितने हैं। हमने असेट्स परचेज करी है वेंडर से, इसको डिवाइड कर दो इशूड प्राइस से। इशूड प्राइस बनता है 100-10, 90 से डिवाइड करेंगे 4000। आंसर आ जाएगा डी। ये रहा थर्ड का डी। आगे चलते हैं, फोर्थ पे आ जाओ। फोर्थ के अंदर आपको इसी तरीके से दे रखा है कि आपने अपॉइंट किया है 42,000 उसको रेमुनरेशन दे रहे हैं और वो और डिसोल्यूशन एक्सपेंस को बियर करेंगे। एक्चुअल एक्सपेंस 33 आए हैं। हमसे क्वेश्चन में पूछता है अदिति के कैपिटल अकाउंट में कितना क्रेडिट होगा, जितना हमने उसको रेमुनरेशन दिया 42। ए फोर्थ का आंसर है। अब फिफ्थ पे आ जाओ। फिफ्थ में इन्वेस्टमेंट दे रखी है और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व दे रखा है। पार्टनर्स ने अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज कर ली है। ऐसे केस में क्या होगा कि जब इसका डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, ऐसे केस में जब इसका डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं तो जब हमारी इन्वेस्टमेंट देखो डिक्रीज हो रही है। पहले तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में से 70,000 हो गए, 10,000 आपकी इन्वेस्टमेंट डिक्रीज हुई। पर उसकी बुक वैल्यू दे रखी है 90 जबकि मार्केट में वो 80 की है। 10,000 तो इन्वेस्टमेंट को डिक्रीज करो। देखो कौन से क्वेश्चन में दिखा रखा है, कौन से पार्ट में, डी में। आंसर सीधा आ गया डी। और 70 को डिस्ट्रीब्यूट कर दो तीनों पार्टनर में उनकी ओल्ड रेशियो में। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, फिफ्थ के बी पार्ट, फिफ्थ का डी। आप चलते हैं सिक्स्थ पे आ जाओ। सिक्स्थ के अंदर एडमिशन और सिक्स्थ के अंदर कमीशन दे रखा है और कमीशन 15% कर रहा है, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन है। तो क्या करते हैं, 9,20,000 प्रॉफिट इंटू 15/115, रेट को नीचे भी ऐड कर देंगे तो आंसर आएगा 120। सिक्स्थ का आएगा आंसर ए। और इसी के चॉइस में दे रखा है, जो और लिखे हैं तो चॉइस वाले आंसर हैं ये। इसी की चॉइस में दूसरा एक और आ रहा है कि आपको इंटरेस्ट क्रेडिटेड ज्यादा कर दिया इंस्टेड ऑफ 5%, ये पास्ट एडजस्टमेंट का है। इसका आंसर जो आएगा डी। आप इसका आंसर नोट कर लो डी। ये रहा सेवंथ पे आ जाओ। सेवंथ के अंदर आपको दिखा रखा है तीन पार्टनर हैं, उन्होंने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज कर लिया अपना। ऑन द डेट देयर इज अ बैलेंस 2 लाख तो दे रखा है जर्नल में, क्रेडिट बैलेंस 4 लाख P&L। जर्नल एंट्री मांग रहा है, एडजस्टमेंट एंट्री नहीं कह रहा, सीधा इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो। जर्नल रिजर्व डेबिट, P&L अकाउंट डेबिट, चेक करो कौन से में दिखा रहा है, दो में दिखा रहा है। और उनकी ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा, देखो कौन सी ओल्ड है, डी के अंदर आ रहा है। सेवंथ का आंसर आ जाएगा डी। और अब इसका और वाला पार्ट देखते हैं। और वाले पार्ट में दे रखा है उसके अंदर उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, उन्होंने चेंज कर लिया। यहाँ पर ये पूछता है एक्युमुलेट, आपके पास अनरिकॉर्डेड फर्नीचर है, ये कहाँ पर रिकॉर्ड होता है, ये आप याद रख लो, क्रेडिट साइड ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट। आंसर आ जाएगा सी, ये राशि। उसके बाद एट्थ की बात करते हैं। एट्थ में डिवेंचर बता रखा है कि डिवेंचर पेबल है, तो कौन सी कैटेगरी के होंगे, इट इज द रिडीमेबल डिवेंचर। आंसर होगा सी एट्थ का, एट्थ का सी। अब इसका चॉइस वाला क्वेश्चन देखते हैं। वो बोलता है इनमें से इनकरेक्ट कौन सी स्टेटमेंट है। इसका बी आंसर है, डिवेंचर कैन नॉट बी इशूड एट डिस्काउंट, डिवेंचर इशू होते हैं डिस्काउंट पर, और सारी चीजें करेक्ट है, यही एक इसमें इनकरेक्ट है। तो आंसर आ जाएगा बी एट्थ के चॉइस में। आगे चलो, अब नाइन्थ पे आ जाओ। नाइन्थ में ऊपर दे रखा है उनकी कैपिटल बता रखी है 1,80,000, 1,60,000 और 2 लाख, और उनसे रिलेवेंट नाइन्थ और टेंथ दो क्वेश्चनों के बारे में बताना है हमने। यहाँ बता रखा है पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड करती है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड 10%, द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ इशिता कैपिटल। ऊपर इशिता की कैपिटल चेक करो क्या है, इशिता की कैपिटल जो दे रखी है वो थर्ड नंबर पे दे रखी है, शुरू में इशिता थर्ड 2,20,000। आंसर नाइन्थ का सी। ये रहा
ऐसे इसमें टेंथ पूछ रहा है कि उसने ड्राइंग्स भी कर रखी थी 7500 की एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, तो जब क्वार्टरली करते हैं तो क्या रखता है एंड में 4.5, तो लिखा है 4.5 ईयर, तो इसका आंसर आ जाएगा बी टेंथ का, जरा बी। 11th पे आ जाओ, इक्विटी शेयर दे रखे हैं 10 कॉल्ड अप, 6 हैज बीन पेड, तो हमसे पूछता है विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिमम प्राइस कैन बी रीइशूड, जितना अमाउंट पहले नहीं मिलता अब फ्यूचर में वो उस रेट पे या उससे ऊपर रीइशू होगा, तो मिनिमम कितना होगा 4 रुपी, तो आंसर देखो 4, 11th का ए ये रहा। ऐसे ही 200 इक्विटी शेयर है, फॉरफिटेड करें नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल ₹3, फाइनल कॉल बनी नहीं है, टोटल शेयर की फेस वैल्यू आपकी कॉल्ड अप वैल्यू कितनी हो गई 8 रुपी। कहता है भाई विच अमाउंट द शेयर कैपिटल विल बी डेबिटेड ऑन फॉरफीचर, शेयर कैपिटल किससे डेबिटेड होगा 8 रुपी इंटू 200, 1600 चेक करो बी, 12th का बी ये रहा। 13 पे आ जाओ, 13 के अंदर आपको गुडविल कैलकुलेट करनी है, इसके अंदर एवरेज प्रॉफिट मेथड से हमें जो है एक पार्टनर की डेथ हो गई है इसके अंदर खुशी की, उसका प्रॉफिट कैलकुलेट करना है एवरेज प्रॉफिट मेथड से, और लेस लिखा है 10,000, तो पहले हम तीनों को प्रॉफिट को ऐड करेंगे, उसमें एक माइनस है तो उसमें माइनस का साइन लगा देंगे, इन तीनों का सम बनता है 2,40,000, डिवाइडेड बाई 3 करें तो 80,000, माइनस करो 10,000 कितना आ गया 70,000, अब 70 को बेस बनाकर इंटू 3 बाई, उसकी डेथ हुई है 30 जून को तो 3/12, और फिर उसका शेयर खुशी का 5/5 जितना था, तो इसका आंसर आएगा 8750, आप इसका आंसर नोट करो डी 13 का जरा। 14 पे आ जाओ, डिजोल्यूशन के टाइम पर एक्युमुलेटेड प्रॉफिट है, कहां पर ट्रांसफर करते हैं कैपिटल अकाउंट में, आंसर आ गया सी 14 का। 15 में अजर्शन दे रखी है, पार्टनरशिप डीड के बारे में बता रखा है, दूसरा उसका रीजन दे रखा है, नीचे से चेक करो, थर्ड आंसर आ गया इसका सी ये रहा। 16 पे आओ, 16 में फॉरफिटेड किए हैं 1,10,000 शेयर, नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल 3/5 पे 5,50,000 आंसर है इसका 16 का ए। और इसका चॉइस वाले का देखते हैं, चॉइस वाले में आपको कौन सी विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, कौन सी ट्रू है, पेड अप कैपिटल इज द पार्ट ऑफ सब्सक्राइब्ड कैपिटल विच हैज बीन कॉल्ड अप, यस इसका आंसर आ गया बी 16। चलो जी अब 17 क्वेश्चन की बारी आ गई, उसमें चार पार्टनर दे रखे हैं, तरुण अभिषेक कमल और विवेक, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है 5:3:2:2:2। कमल रिटायर हो रहे 31 मार्च को, और तीन पार्टनर तरुण अभिषेक विवेक ने डिसाइड कर लिया फ्यूचर प्रॉफिट रेशियो इक्वली। आगे बोलता है कमल रिटायरमेंट गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड, गुडविल कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगी गेनिंग रेशियो में, याद रख लेना रिटायरमेंट के टाइम पर। यहां पर सबसे पहले वर्किंग नोट बनाओ, न्यू रेशियो गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला था न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, उसके बाद तरुण का अभिषेक का और विवेक का, क्योंकि कमल तो इसमें से क्या हो गया रिटायर हो गया है, इन तीनों के रेशियो निकालते हैं, तो एक का रेशियो ये रिमेनिंग पार्टनर है जो बचे हुए, एक का रेशियो सेक्रीफाइस कर गया माइनस में आ गया, इसको भी गुडविल मिलेगी, इसको क्रेडिट करना ये रहा, तो गेनिंग पार्टनर दो बचे और दो ही सेक्रीफाइस हो गए। अब आंसर कैसे लिखेंगे देखो ये रहा, 9 लाख गुडविल है, कमल का शेयर था 2/12, 9 लाख को 2/12 करो तो उसका शेयर आ जाएगा कितना आ जाएगा 1,50,000, इसको 1/12 कहां से आया 1/12 ये रहा, यहां से करो, ये दोनों में डिस्ट्रीब्यूट करो, कौन सी रेशियो में 1:2 के अंदर याद रख लो, तो ये देखो 1:2 में डिस्ट्रीब्यूट हो गई, ये याद रख लेना 1:2 में डिस्ट्रीब्यूट करनी थी हमने, तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा 17 का ए। अब 17 का बी करते हैं, तो जी अब 17 का बी आ गया, उसमें दो पार्टनर अतुल और गीता, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है, ईरा के बारे में बता रखा है कि ईरा को उन्होंने एडमिट किया 1/4 शेयर के लिए, और ईरा ब्रॉट करती है 40,000 अपनी कैपिटल का, कैपिटल ऑफ अतुल एंड गीता आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट रिलेटिंग टू गुडविल रिवेल्यूएशन असेट्स एंड लाइबिलिटी 60-40 रिस्पेक्टली दे रखे हैं, इट इज एग्रीड दैट द कैपिटल शुड बी अकॉर्डिंग टू न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, उनकी कैपिटल हमें बतानी है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ एक्चुअल कैश टू बी पेड ऑफ और ब्रॉट इन बाई, क्या करना पड़ता है देखो, पहले सबसे पहले टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म बना लो, कैसे बनती है न्यू पार्टनर की कैपिटल, न्यू पार्टनर का ही शेयर रेसिप्रोकल, ये 1,60,000 तीनों की कैपिटल होगी, इसको तीनों में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, एक की तो करोगे इसकी तो खुद करोगे तो 40 आएगी, जो अतुल की आ रही है 72 और जो गीता की आ रही है 48, लेकिन उनकी एग्जिस्टिंग कैपिटल कितनी दिखा रखी है बुक में अभी 60,000 और 40, हम कह रहे हैं कि आज के बाद आपकी कैपिटल कितनी हो जाएगी 72, इट्स मींस ये ब्रिंग करेगा,
इसको भी 8000 ब्रिंग करना पड़ेगा। तो इसकी जर्नल एंट्री मांग रखी थी क्वेश्चन में, पहले तो जो कैपिटल लेके आए हीरा उसकी एंट्री पास करो, बैंक अकाउंट डेबिट टू हीरा कैपिटल 40। ये दोनों भी लेके ही आ रहे हैं बाई चांस, विड्रॉल नहीं कर रहे, क्योंकि दोनों की कैपिटल फ्यूचर में ज्यादा हो रही है और अभी एग्जिस्टिंग कम है। तो 12000 एक लेके आएगा और गीता 8000, बैंक आ गया 20000। ये क्वेश्चन हो गया 17। अब करते हैं 18। चलो जी नेक्स्ट 18 का फर्स्ट पार्ट आ गया, गारंटी का क्वेश्चन है। लिखा है आशा, दिशा और राघव वर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:3:1 अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप एग्रीमेंट। राघव वॉज गारंटीड एन अमाउंट ऑफ ₹40,000। राघव को मिनिमम कितना मिलेगा? 40,000। द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड, नेट प्रॉफिट कितना आया हुआ है? 1,20,000। प्रिपेयर पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट हमने बनाना है। ये पी एंड एल अप्रोप्रिएशन बनाया, यहां लिख लो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये आप अपना, मैं बिना फॉर्मेट के कर रहा हूं, आपने फॉर्मेट में बना देना है। ये 120 का प्रॉफिट क्वेश्चन में मेंशन है, उस 120 को पहले तीनों में डिस्ट्रीब्यूट करो उनकी रेशियो में 2:3:1। ये आ गई, वो पुट करो यहां पर, ये जो ब्लैक से करके दे। अब चेक करो इसको कितने की डेफिशिएंसी दिख रही है, जिसको शॉर्टेज बोलते हैं, वो 20,000 की दिख रही है। कैसे पता चला? उसका शेयर बना बस 20, लेकिन हमने गारंटी दी थी उसको 40 की। तो जो शॉर्टेज रहेगी 20,000 की, इसको कौन कवर करेगा? ये दोनों पार्टनर कवर करेंगे। कौन सी रेशियो में? 2:3 में। एक 8,000 और एक 12,000। पहले वाले का 8,000, दूसरे का 12, इनके शेयर माइनस कर दो, इसका 32 बना, इसका 48 और इसका 40। ये 8th का ए पार्ट था, अब इसका बी पार्ट करते हैं। चलो जी 18th का बी पार्ट आ गया। लिखा है अखिल एंड निखिल वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:2। देयर फिक्स्ड कैपिटल दे रखी है 1,80,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बता रखा है 6% चार्ज करना है। निखिल वॉज टू बी अलाउड एन एनुअल सैलरी, निखिल को सैलरी दी है 9,200 ड्यूरिंग द ईयर 2022। द नेट प्रॉफिट प्रायर टू कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट आफ्टर चार्जिंग सैलरी ऑफ निखिल कितना आया है? 1,20,000। उसकी सैलरी डिडक्ट हो गई। तो सबसे पहले तो प्रॉफिट लिखते हैं, देखो यहाँ पर ये रहा, ये 120। कभी भी पार्टनर की कोई सैलरी हो कि होगी और वो डिडक्ट हो जाए तो उसको इधर ऐड करते हैं, याद रख लो, और लिख देंगे नेट प्रॉफिट बिफोर सैलरी। तो कितना बन गया ये? अच्छा, जो सैलरी आपने इधर ऐड करी है वो इधर भी दिखाएंगे, क्योंकि गलती से ये प्रॉफिट एंड लॉस में दिखा दी थी, हमने क्रेडिट में की तो नल इफेक्ट करा, रियलिटी में उसे अप्रोप्रिएशन में दिखाना था, 9,200 दिखा दी। क्वेश्चन में कह रहा है दोनों को आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रखा है, एक का 6,000 बनता है 1,00,000 पर तो 6,000 आ गया, दूसरे का 4,800 बनता है तो वो दोनों का मिलाकर 10। डिफरेंस करोगे तो ये इंडिविजुअल प्रॉफिट आ गया जो ट्रांसफर करेंगे उनकी कैपिटल में। यहां पर लिख दो, इसमें थोड़ा चेंज कर लेना, यहां करंट अकाउंट लिखना आप, करंट अकाउंट, इसमें भी करंट, क्योंकि फिक्स्ड कैपिटल दे रखी है, जब फिक्स्ड होगी तो ट्रांजैक्शन करंट के थ्रू होगी। और दोनों किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे? 3:2 में इस प्रॉफिट को। तो ये एक्स के बी का ये आंसर था। 19 क्वेश्चन आ गया। लिखा है आयुष एंड अरुषि आर पार्टनर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखे हैं, दे एडमिट नवीन को एडमिट किया 1/4 के लिए, गुडविल ऑफ द फर्म वॉज वैल्यूड एट 3 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, एवरेज नेट प्रॉफिट गिवन है वॉज 20,000, कैपिटल इन्वेस्टमेंट इन द बिजनेस वॉज 50 एंड नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10%, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ गुडविल प्रीमियम ब्रॉट बाई नवीन। हमें कैलकुलेट करना है। देखो सबसे पहले सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला लिख दो, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन में गिवन है 20,000, नॉर्मल प्रॉफिट फाइंड आउट हो जाएगा क्योंकि कैपिटल इन्वेस्टमेंट दे रखी है 50,000 और रेट ऑफ रिटर्न दे रखा है 10%, तो 5,000। दोनों चीजें मिल गई तो सुपर प्रॉफिट आ गया। सुपर प्रॉफिट कितना आ गया? 20,000 बाई 15,000। गुडविल निकाल लाओ, सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज 15,000 इंटू 3:45 और नवीन का शेयर बता दो। यही बताना था हमें इस क्वेश्चन में। तो हमारा अब ये 19 कंप्लीट। अब करते हैं 20th क्वेश्चन आ गया। लिखा है कुबेर लिमिटेड परचेज असेट्स खरीदी है 10,00,000 की, टुक ओवर लाइबिलिटी भी ली है 1,00,000 की और परचेज कंसिडरेशन है 8,00,000 का। उसके बाद आगे है कि उसको पेड कर रहे हैं 260 तो चेक के थ्रू और बैलेंस जो है सेटल्ड बाय इशूइंग 12% डिवेंचर ऑफ 100 ईच एट ए डिस्काउंट ऑफ 10%। सबसे पहले तो जो परचेज करी वो लिखो, 10,00,000 की परचेज करी वो लिखो, 1,00,000 की लाइबिलिटी ली वो लिखो। उसके बाद अमृत लिमिटेड कितने का परचेज कंसिडरेशन था? 8,00,000 गिवन है। टोटल करते हैं तो इधर 9,00,000 और उधर 10, 1,00,000 का डिफरेंस आ रहा है, इट इज द कैपिटल रिजर्व, याद रखना ही आएगा। अब इसको कैसे डिस्चार्ज किया 8,00,000 को, वो देखो अमृत लिमिटेड को आपने चेक दे दिया 2,60,000 का लिखा हुआ है 8,00,000 में से,
और जो बचे हुए उसके डिवेंचर दे दिए। बचे कितने हैं? 8 लाख में से 260 माइनस करें तो 5,40,000, ये करें, लेकिन ये डिस्काउंट पर इशू करें तो 2 डिवेंचर लिखेंगे और डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर लिखेंगे। इनके नंबर कहां से निकाल के लाएंगे वो ये रहा। नंबर ऑफ डिवेंचर कैसे निकलते हैं? जो अमाउंट पे करना था 8 लाख, 260 का तो चेक दे दिया, कितना बच गया 540, उसको इशूड प्राइस से डिवाइड कर दो, 100 माइनस 10, क्योंकि डिस्काउंट पे था 90, तो 6000 डिवेंचर आ गए। डिवेंचर में 6000 × 100, 6000 × 10, तो इसकी ये एंट्री बननी थी। अब एक क्वेश्चन करते हैं 21st, उसमें बैलेंस शीट बनानी है। 21st क्वेश्चन आ गया, उन्नति लिमिटेड वॉज रजिस्टर्ड विद ऑथराइज कैपिटल ऑफ 8 लाख रुपी, 8 लाख रुपी की ऑथराइज कैपिटल है, डिवाइडेड इंटू इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच, और कंपनी इशू करती है 60,000 इक्विटी शेयर, कंपनी के पास रिसीव्ड हुए 58,000 शेयर, ऑल कॉल्स वर मेड एंड वर ड्यूली रिसीव्ड एक्सेप्ट द सेकंड एंड फाइनल कॉल ऑफ ₹3 पर शेयर, फाइनल कॉल की मनी कंपनी को नहीं मिली 3,000 शेयर की, दीज शेयर वर फॉरफिटेड, प्रेजेंट द शेयर कैपिटल इन द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी। कैसे प्रेजेंट करनी है देख लो, ये नहीं, शेयर कैपिटल सबसे पहले लिखो 8 लाख शेयर कैपिटल दे रखी है 80,000 की इंटू 10, ये कर दिया 8 लाख, उसके बाद इशूड कैपिटल दिखाओ, कंपनी ने इशू करे थे 60,000 शेयर, इंटू 10 करो तो 6 लाख आ गया, फिर सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप का हेड खोलो, उसमें जितने शेयरों से फुल मनी रिसीव्ड हुई है, टोटल 58 थे हमारे पास जो रिसीव्ड आई, 3000 ने फेल किया उसको अलग कर दो, 50,000 इंटू 10 करते हैं तो 55, ऐड कर दो शेयर फॉरफिटेड जो 3000 से मनी रिसीव्ड हुई, 3000 इंटू 7 करें 21, टोटल बन गया 5,71,000, ये पुट कर दो बैलेंस शीट में, हेडिंग डालो इक्विटी एंड लाइबिलिटी, शेयर होल्डर फंड और शेयर कैपिटल। अब आगे चलते हैं, 22nd आ गया, 22nd में 3 पार्टनर है, बी की डेथ हो गई है 30 जून को, 3 मंथ्स के बाद, याद रखना, नीचे गुडविल उसकी दे रखी है 24,000, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 12% लगेगा जो कि 3 मंथ्स का दिया जाएगा, और प्रॉफिट कैसे दिया जाएगा वो भी बता रखा है, हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ डेथ कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स, सेल्स आपको दे रखी है 1,25,000 जब उसकी डेथ हुई थी, द सेल एंड प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडेड लास्ट ईयर के बता रखे हैं 10,00,000 और 250, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट निकाल लेंगे वो ऐसे करते हैं, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट कैसे करते हैं, लास्ट ईयर प्रॉफिट लास्ट ईयर सेल, लास्ट ईयर का प्रॉफिट था 2,50,000 डिवाइडेड बाई लास्ट ईयर की सेल थी 10 लाख, इन 200 करो तो 25% प्रॉफिट आ गया हमारा। अब क्वेश्चन की शुरुआत करो, सबसे पहले बी की कैपिटल दे रखे 2 लाख, वो पुट करते हैं बैलेंस बीडी, फिर बैलेंस शीट से कोई जो रिजर्व है वो ट्रांसफर करते हैं, रिजर्व दे रखा है 2,50,000, उसमें 2/5 उसका शेयर है बी का, तो कितना बन गया उसका शेयर 1 लाख, फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यही कैलकुलेट करके दिखा दिया आपको, 2 लाख इंटू करो रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% था और इंटू टाइम लगा दो तो कितना आ गया 6,000, ये गुडविल का ट्रीटमेंट है जो 24,000 थी, कौन सी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी 2:1 गेनिंग रेशियो में, वो बन गई आपकी 16:8। उसके बाद P&L सस्पेंस कैसे आया, जब उसकी डेथ हुई तो कितनी सेल हुई थी 120, पहले 25% कर लो जो प्रॉफिट आए वो फर्म का आ गया, इनटू उसका शेयर कर दो कितना आ जाएगा ये, फिर ये ट्रांसफर कर दो एग्जीक्यूटर में। अब एक और करते हैं 23rd, फर्स्ट पार्ट आ गया जो कि एडमिशन रिटायरमेंट से रिलेटेड है, आपको बैलेंस शीट दे रखी है 3 पार्टनर की, कमल राहुल और नीरज की, राहुल इसमें रिटायर है और 2 एसेट्स का वैल्यूएशन हुआ है, एक तो लिखा हुआ है इसके अंदर 10,000 इंक्लूडेड इन सर्जरी, क्रेडिटर इज नॉट लाइकली टू बी क्लेम्ड, यानी कि क्रेडिटर को पेमेंट नहीं करनी तो प्रॉफिट है फर्म के लिए क्रेडिट में आ जाएगा। ऐसी आपको जो है स्टॉक की वैल्यू दे रखी है, बुक्स में दे रखी थी 1 लाख, लेकिन वैल्यूएशन कितना हुआ उसका 90, तो 10,000 से डिक्रीज हो गया, लॉस हो गया इधर, इसके क्वेश्चन में रिवैल्यूएशन में कोई प्रॉफिट लॉस नहीं आएगा, निल हो जाएगा ये। कैपिटल अकाउंट कैसे बनता है देखो, पहले बैलेंस बीडी लिख दो जो दे रखी है क्वेश्चन में 1,20,000, 1,20,000, उसके बाद एक्युमुलेटेड रिजर्व जो दे रखे हैं जनरल रिजर्व, वो तीनों में डिस्ट्रीब्यूट उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, फिर जो गुडविल दे रखी थी आपको गुडविल वैल्यूड 3,50,000 है, इसमें राहुल का शेयर निकाल लेंगे जो कि 1,05,000 आएगा, इंटू करना 3/10 इसको तो 1,05,000 आएगा, वो दोनों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 5:2 में गेनिंग रेशियो में, फिर हमने यहां निकाल दिया ये रहा, ये आपको सॉल्यूशन पूरा मैंने दिखा दिया है, आप बेसिकली अपने आंसर चेक करो, एक पार्टनर ब्रिंग करेगा एक विड्रॉल करेगा, राहुल का जो लोन आएगा 2,60,000 आएगा, और जो उसके बाद ये जो कैपिटल डिसाइड कर रहे थे कि 2,10,000 उनकी न्यू कैपिटल होगी उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, उस 2,10 को हमने 2 में डिस्ट्रीब्यूट करा और यहां लिख दिया करो, ये हमने कैपिटल अकाउंट को एक्सटेंड करके दिखाया है, आप बिना एक्सटेंड के भी कर सकते हो। हमने क्या किया, पहले नॉर्मल निकाल ली बैलेंस शीट, ये निकली
उसके बाद इसको नीचे ट्रांसफर कर दिया करो, फिर जो नई कैपिटल है वो पुट करो, डिफरेंस यहां लिख दो। आप ऐसे ना करो तो डायरेक्ट भी यहां बैलेंस सीडी ये वाली ना लिख के सीधी ये लिख सकते थे, पर ये सॉल्यूशन है, देख लो इसका। अब एक और क्वेश्चन करते हैं, इसी का पार्ट आ गया। दो पार्टनर दे रखे हैं, आशीष और विशेष, और पार्टनर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2, नीचे बैलेंस शीट दे रखी है। उसके बाद बता रखा है 1 अप्रैल को मान्या को उन्होंने एडमिट किया 1/4 शेयर के लिए। मान्या ब्रिंग करती है 1 लाख तो कैपिटल के 50,000 प्रीमियम के। आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल विल बी पेड ऑफ, अच्छी तरह से नोट करना, रिवैल्यूएशन में नहीं आएगा ये सिंपल एक लायबिलिटी को पे ऑफ किया हमने। स्टॉक वॉज फाउंड ओवर वैल्यूड, ओवर का मतलब हमने ज्यादा शो कर रखा है 20,000 से, इट इज द लॉस फॉर द फर्म, ये डेबिट साइड आएगा रिवैल्यूएशन के। पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री, इस क्वेश्चन में बस जर्नल एंट्री पास करनी है। देखो पहली एंट्री तो जो ब्रिंग कर रहा है 1,50,000 उसकी एंट्री पास कर दो। सेकंड एंट्री करो प्रीमियम फॉर गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करने की जो 50 वो लाया था। उसके बाद जो आपका आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल था उसकी पेमेंट करो टू बैंक करके, रिवैल्यूएशन नहीं करना, ये गलती नहीं हो। रिवैल्यूएशन टू स्टॉक करो क्योंकि आपका स्टॉक डिक्रीज हो गया, और असेट्स जब भी डिक्रीज होगी तो क्रेडिट करते हैं। अच्छा और कोई आइटम नहीं है रिवैल्यूएशन की, तो इस रिवैल्यूएशन के लॉस को, क्योंकि ये लॉस हुआ, इसको पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करो, उसकी एक एंट्री आशीष विशेष टू रिवैल्यूएशन। उसके बाद फिर बैलेंस शीट में P&L दे रखा है असेट साइड, इट विल बी राइट ऑफ। राइट ऑफ जब करते हैं तो पार्टनर के कैपिटल को डेबिट, ओल्ड पार्टनर को, और टू P&L। तो इस क्वेश्चन का ये सॉल्यूशन था। देखिए फर्स्ट पार्ट, उसमें वानी लिमिटेड ने इनवाइटेड किए 1 लाख शेयर एट ए प्रीमियम ऑफ दिस। इसमें ध्यान देने वाली बात है एप्लीकेशन अलॉटमेंट ज्वाइंट है और वहीं पर प्रीमियम है। आगे फर्स्ट कॉल पे 4 रुपी बता रहा है, सेकंड एंड फाइनल कॉल ₹3। एप्लीकेशन रिसीव्ड हो गई 1,50,000 जबकि इशू करे थे 1 लाख। एक्सेस एप्लीकेशन मनी बता रखी है एडजस्ट होंगी फर्स्ट कॉल पर, नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट पर, नेक्स्ट का नाम कॉल है। पर्थ अ शेयर होल्डर हु हैड अप्लाइड 600 अप्लाइड कर रहा था तो उसके अलॉटेड निकालने पड़ेंगे, और डिड नॉट पे द फर्स्ट कॉल, नहीं दे रहा। हिज शेयर वर फॉरफिटेड द सेकंड एंड फाइनल कॉल वॉज नॉट येट मेड, सेकंड एंड फाइनल कॉल नहीं बनी। हाफ ऑफ द फॉरफिटेड शेयर वर री इशूड ये रे। मैं क्वेश्चन समझा देता हूँ आपको, ये रहा। पहले जितनी एप्लीकेशन आई 1,50,000 आई थी, इंटू 4 करेंगे तो 6 लाख हो गया। यहाँ लिखोगे बैंक टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, फिर ये कहता है 50,000। अब जो आपके 4 रुपये आए हैं उसको स्प्लिट करो 3 रुपये और 1 रुपये में, क्योंकि प्रीमियम 1 रुपये है। 3 रुपये इंटू 1 लाख तो चला जाएगा शेयर कैपिटल, 1 लाख इंटू 1 रुपये सिक्योरिटी प्रीमियम। ये उल्टा लिख दिया हमने, थोड़ा ध्यान रखना। अलॉटमेंट में 2 लाख रुपये है और इसके अंदर 1 रुपये है, ये रहा प्रीमियम में, क्योंकि 1 लाख इंटू 1, 50,000 शेयर की मनी एडजस्ट हुई है, तो 50,000 इंटू 4 करेंगे तो कितना बनेगा 2 लाख। यहां तक समझ आया, आगे चलो। अब 1 लाख से वास्ता है जितने शेयर हम इशू करते हैं, वो भी बाई चांस 4 रुपये की फर्स्ट कॉल है, तो 1 लाख इंटू 4, हमारा 150 से अब कोई लेना देना नहीं, यहीं तक था बस। उसके बाद यहां पर एक शेयर होल्डर फेल करता है जिसके कितने शेयर थे 600 अलॉटेड अप्लाइड थे, ये वर्किंग नोट बनाना होगा। उसके अलॉटेड शेयर आपको निकालने होंगे जो कि 400 निकलते हैं, उससे एक्सेस मनी मिली है 200 की, क्योंकि वो डिमांड तो अप्लाई तो कर रहा था 600, लेकिन कंपनी ने 400 अलॉट करी। 200 शेयर की मनी हमारे पास है, 200 इंटू 4 करें तो कितनी है 800। उसका फर्स्ट कॉल मनी का ड्यू करें तो अब उसके शेयर याद रखना 400 हो गए, क्योंकि अलॉटेड कंपनी ने 4 किए हैं। 4 इंटू 4 करते हो तो 1600, ऑलरेडी 800 आया हुआ है, माइनस कर दो तो ये फेल्ड अमाउंट हो गया। ये हमें क्वेश्चन में कह रहा है कॉल सिनेरियर अकाउंट खोलो, तो आप कॉल सिनेरियर में शो कर दो। 2 लाख कैसे आया, 4 लाख में से पहले ये 2 लाख माइनस करो जो एडजस्ट करने थे, तो बच गए 2 लाख, और 800 फेल हो गया, तो 199, 200 और 800। अब यहां चलते हैं शेयर कैपिटल में। अब यहां पर जो है वो बोलता है कि फाइनल कॉल आपने 3 की नहीं बनाई, तो कॉल्ड अप का केस हो गया, यानी कि 7 रुपये कॉल्ड अप है। 7 × 4 जा कितना हो गया 28, वो दिख दो। कॉल सिनेरियर में कितना लिखा था आपने यहां 800, वो डिफरेंस यहां आ गया। फिर हमने इनको रीइशू कर दिया, लेकिन हाफ शेयर को रीइशू करा, यानी कि 200 शेयर को किया और फुल्ली पेड अप कर दिया लिखा हुआ क्वेश्चन में, तो ये आ गया 2008। और ये अब हमें इस प्रॉफिट को कन्वर्ट करना होगा, ये 400 शेयर का है तो 200 शेयर का कितना हो गया 1000, और लॉस कितना है 400, तो आपका आंसर आएगा 600। क्लियर हो गया। अब एक इसी का बी पार्ट करते हैं, जिसमें 2 क्वेश्चन दे रखे हैं फोर फीचर और रीइशू के, दोनों के मैंने सॉल्यूशन आपके कर दिए, ये आप अपने आंसर से चेक कर लो। क्यों कर लो, क्वेश्चन की बारी आ गई जिसमें जर्नल एंट्री पास करनी है ऑन द डिजोल्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म। 2 पार्टनर है मीता और सोनू, और जो है उन्होंने बता रखा है असेट्स और लायबिलिटी को ट्रांसफर कर रखा है रिलाइजेशन अकाउंट में। फर्स्ट आ रही है, देखो
लिखा है क्रेडिटर 90,000 टुक ओवर लैंड एंड बिल्डिंग इन फुल सेटलमेंट ऑफ देयर क्लेम। जब भी कोई हमारा लायबिलिटी होल्डर असेट्स को टुक ओवर करेगा, नो एंट्री, फर्स्ट की नो एंट्री। सेकंड देखो, सोनू ने टुक ओवर किया डेटर को, कितने में टुक ओवर किया? 50,000 वाले डेटर को 40 में, तो हमारा लिंक 40 से है, तो किधर जाएगा? सोनू ने टुक ओवर किया तो उसकी कैपिटल डिक्रीज होगी, सोनू अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। अच्छा, इसमें वैल्यू नहीं लिखी हमने, 40,000 ये लिख लो, 40 ये रहा। और एक ये वर्ड जो हम लिख रहे हैं कैपिटल, सीएपी मतलब कैपिटल, शॉर्ट एब्रीवेशन यूज कर रहे हैं बस, आपने नहीं करनी। अगला सी का चेक करते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट एक्सपेंस है तो रियलाइजेशन की डेबिट में आएंगे, तो टू सोनू, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सोनू 1800। उसके बाद मशीन आपकी थी नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स, टेकन ओवर बाय मीता, एक पार्टनर ले गई, कितने में? 11। कहते हैं व्हाइल इट्स एक्सपेक्टेड मार्केट वैल्यू कितने की थी, हमें मतलब नहीं, जितने में टेक ओवर हुई उससे कनेक्शन है, कितने में टेक ओवर हुई? 11,000 मीता कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, ये रहा 11,000। अगला सोनू एग्री टू पे ऑफ हिज वाइफ लोन, अपने वाइफ की लोन को पेमेंट करता है सोनू, तो क्या जाएगा यहां पर? रियलाइजेशन टू सोनू कैपिटल, डेबिट साइड आएगा रियलाइजेशन की। प्रॉफिट ऑन डिसोल्यूशन आए हैं 50,000, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे नहीं रखा, तो क्या करेंगे? इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ये रही रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 50,000 टू मीता टू सोनू कैपिटल, दोनों को 25,000। अब नेक्स्ट करते हैं, 26 की बारी आ गई, उसमें लिखा है चिरंजीवी लिमिटेड ने इशू कर रखे 2010% डिवेंचर ऑफ 100 ईच, पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर द इशू ऑफ डिवेंचर इन द फॉलोइंग केसेज। तीन केसेज हैं, तीनों केसेज मैंने अलग अलग कर दिए। देखो पहले केस में लिखा है डिवेंचर इशूड एट प्रीमियम और रिडीम एट प्रीमियम, तो पहली एंट्री तो जितने से आएगा 110 पे आ गया आपका डिवेंचर, 2 लाख इंटू 110 करो तो 220 आ गया। दूसरी एंट्री में जो ये 10 रुपी प्रीमियम था ये तो सिक्योरिटी प्रीमियम में जाएगा, और बाद में बोल रहा है प्रीमियम पर रिडीम करने 5 रुपी, तो 2000 × 5 करोगे 10, वो दोनों जगह शो होगा इधर भी और इधर भी, तो एंट्री ये बनेगी, ये समझ लो। सेकंड केस की ये एंट्री बनेगी, थर्ड केस जो आपको दिखा रखा है उसकी ये एंट्री बनेगी। नेक्स्ट करते हैं, अब इस 7th की बारी आ गई, पहला पूछता है विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन विल रिजल्ट इन नो फ्लो ऑफ कैश, किसमें फ्लो नहीं है? सी आंसर हो गया, एक्विजिशन ऑफ मशीन बाय इशूइंग इक्विटी शेयर, सी हो गया 27th का। इसी की चॉइस में जो मैचिंग आ रहा है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी मैच करती है परचेज ऑफ गुडविल से, फाइनेंसिंग एक्टिविटी इंटरेस्ट पेड, इनमें से आंसर आ गया इसका बी, बी आंसर हो गया इसका, ये रहा 27th का। आगे 28th में देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट टूल्स ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस, ना तो इनकम स्टेटमेंट है ना बैलेंस शीट, देखो कहां पर आ रही है सेकंड और थर्ड, सेकंड थर्ड सी, ये आ गया, इसी की चॉइस में आ रहा है एक और, वो दे रखा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, कौन सी है? बी पॉइंट है, करंट रेशियो इज ऑल्सो नोन एज एसिड टेस्ट रेशियो, नहीं होती, तो बी इसका आंसर आ गया चॉइस वाले का। आगे विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी आर ऑपरेटिंग एक्टिविटी फॉर द पर्पज ऑफ प्रिपेयरिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट, डिविडेंड इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन सिक्योरिटी, ऑपरेटिंग नहीं है, सेकंड है थर्ड है, दो हो गए, सेकंड थर्ड ढूंढो कहां पर है, डी इसका आंसर 29th का डी, ये रहा। फिर 30 में करंट असेट्स दे रखी है, करंट लायबिलिटी है, वर्किंग कैपिटल दे रखी है, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी कि सेल्स पूछ रहा है, वर्किंग कैपिटल आ गई 50,000। अब फॉर्मूले में पुट कर दो, 50,000 × 6 करोगे 3 लाख, आंसर आ गया बी, 30 का बी। अब हमसे 31 में मेजर हेडिंग पूछता है, ये रही पहला का पूछता है चेक इन, चेक ड्राफ्ट इन हैंड, चेक को कहां पर लिखते हैं याद रख लो, चेक को लिखते हैं करंट असेट्स में, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में, वर्क इन प्रोग्रेस करंट असेट्स इन्वेंट्री होती है याद रख लेना। उसके बाद बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ P&L इट इज शेयर होल्डर फंड, और इसका सब हेडिंग है रिजर्व एंड सरप्लस, तो अभी हो गया। अब आगे नेक्स्ट करते हैं, 33 का फर्स्ट पार्ट आ गया, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री, दोनों निकालनी है। क्वेश्चन में इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो दे रखा है 4 times, ग्रॉस प्रॉफिट बता रखा है 20% ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मींस सेल्स, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आपको 10 लाख दे रखी है, ओपनिंग इन्वेंट्री इज 25% ऑफ द इन्वेंट्री एट द एंड, यानी कि क्लोजिंग इन्वेंट्री ज्यादा है उसका 25% ओपनिंग। सबसे पहले देखो ये फॉर्मूला लगा दिया करो, कॉग्स निकालो, क्यों निकालो? क्योंकि इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला है कॉग्स अपॉन एवरेज इन्वेंट्री, ये चीज हमें गिवन है, यदि हमें कॉग्स पता चल जाए तो ये पता चल जाएगी। हम कॉग्स का फॉर्मूला होता है सेल्स माइनस जीपी, सेल्स को ही क्या बोलते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, सेल्स आपको 10 लाख दे रखी है और जीपी बता रखा है 20% ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, तो वो कितना बन गया आपका 2 लाख, आपका कॉग्स कितना आ गया 8 लाख, यहां तक क्लियर हुआ? अब इसको इस फॉर्मूले में पुट कर दो,
ये चीज हमें गिवन है क्वेश्चन में फोर टाइम्स, ये दे रखी है 8 लाख, ये निकल गई अब आपकी एवरेज कितनी आ गई 2 लाख। ये क्या चीज आई है? एवरेज इन्वेंट्री। एवरेज इन्वेंट्री कैसे बनती थी? ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाई 2, कर दें ये पुट। तो अब आप क्या करते हो, ये पुट करो, हमने क्या करना है, लेट करना है क्लोजिंग इन्वेंट्री दोनों में से किसी एक को एक्स मानना है, तो इसको एक्स मानेंगे क्योंकि इसका 25% ही है। तो आपने इसको क्लोजिंग को एक्स मान लिया, ये रहा इसका 25% ऑफ एक्स करोगे तो इतना बनेगा, इसको काटते हैं तो 1/4 हो गया, एलसीएम लोगे तो नीचे 4 आ गया, ऊपर एक्स प्लस 4x कितना बन गया 5x। इक्वेशन को सॉल्व कर दो, करते हो तो एक्स की वैल्यू आपकी आ गई 1,60,000, इट इज द क्लोजिंग इन्वेंट्री। और ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी थी? 25% ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री, 160 × 25/100 करोगे तो 40। क्लियर हो गया? तो ये तो इसका फर्स्ट पार्ट हो गया। इसी का सेकंड 33 का बी पार्ट करते हैं। उसमें डेट इक्विटी रेशियो दे रखा है जो चॉइस में आया हुआ है 2:1। स्टेट विद रीजंस वेदर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन विल इंप्रूव, डिक्लाइन और विल नॉट चेंज द डेट इक्विटी रेशियो। हमें ये बताना है कि इसमें इंप्रूव हो रहा है, डिक्लाइन हो रहा है या नो चेंज हो रहा है, विद रीजन भी देना है। तो देखो पहले का आ रहा है कन्वर्जन ऑफ डिवेंचर इंटू इक्विटी शेयर, डेट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला लगाओ, डेट अपॉन इक्विटी। जब हम कन्वर्ट करते हैं डिवेंचर को इक्विटी में तो हमारे ऊपर के डेट तो कम हो गए और जो डिनोमिनेटर है वो ज्यादा हो गया क्योंकि इक्विटी शेयर कैपिटल बढ़ गई। तो अल्टीमेट क्या आंसर आएगा? जब डिनोमिनेटर बढ़ता है तो हमेशा डिक्लाइन होगा। आंसर क्या आ गया इसका? डिक्लाइन। रीजन क्या दोगे? आवर डेट विल बी डिक्रीज एंड आवर शेयर होल्डर फंड विल बी इंक्रीज। उसके बाद आगे सेकंड में दे रखा है कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर, नो चेंज, ना तो ये डेट में आएगा कैश और ना ही डेटर का लिंक, दोनों करंट असेट्स हैं, तो इसलिए इसका आंसर क्या जाएगा? नो चेंज। उसके बाद रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, हमने रिडीम कर दिया, जैसे ही रिडीम करोगे आपका डेट इक्विटी का फॉर्मूला था डेट अपॉन इक्विटी, डेट कम हो गए, न्यूमिनेटर बढ़ गया क्योंकि ऊपर न्यूमिनेटर, जैसे आपका थर्ड पॉइंट का आंसर आ जाएगा डिक्लाइन। क्यों डिक्लाइन आया? क्योंकि आपका न्यूमिनेटर तो कम हो गया, डिनोमिनेटर उतना ही रहा, तो उसको डिवाइड करोगे क्या होगा? कम आएगा, तो इसलिए डिक्लाइन। अगला परचेजेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट, क्रेडिटर बढ़ते हैं और गुड्स बढ़ती है, दोनों का लिंक नहीं है, ना डेट है ना शेयर होल्डर फंड, नो चेंज, ये आंसर आ गया। अब इसका लास्ट करते हैं 34, बहुत अच्छा क्वेश्चन था कैश फ्लो का, बड़े ध्यान से करना उसको। चलो जी अब करते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट का, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कैश फ्लो स्टेटमेंट का, बड़े ध्यान से करना उस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन के अंदर आपको बैलेंस शीट दे रखी है और रिक्वायरमेंट है क्वेश्चन में इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फाइनेंसिंग। हमने इन्वेस्टिंग इधर बना दी, फाइनेंसिंग यहाँ, ये वर्किंग नोट बनाए क्योंकि इसमें इन्वेस्टमेंट सेल हो रही है तो इन्वेस्टमेंट का अकाउंट, मशीन का अकाउंट बनेगा और साथ में एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन का बैलेंस दे रखा है उसका अकाउंट बनेगा। तो जरा देखते हैं कैसे पुट करते हैं। देखो आपको मशीन का बैलेंस दे रखा है 20 लाख बिगनिंग और 28 क्लोजिंग, बिगनिंग ये रहा क्लोजिंग ये रहा, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। और डेप्रिसिएशन ये दे रखा है 60 और 90। अब ट्विस्ट इस क्वेश्चन में क्या था वो समझते हैं। लिखा है ड्यूरिंग द ईयर मशीन कॉस्टिंग, मशीन की कॉस्ट बता रहा है 4 लाख, वॉज सोल्ड एट ए गेन ऑफ 30 गेन पर हुई है, तो जाहिर बात है 30 का तो गेन यहां दिखाएंगे, लेकिन हमें जो नीचे सेकंड पॉइंट में उस पर फोकस करना, वो डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन सोल्ड मशीन कह रहा है या टोटल मशीन पर कह रहा है? टोटल मशीन पर कह रहा है। क्यों? स्टेटमेंट को पढ़ो, डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन मशीनरी ड्यूरिंग द ईयर, पूरे साल में इतना लगाए तो टोटल पर लगाए, तो जो पूरे साल पर लगता है वो इधर लिखते हैं, याद रखना अपने आप ये चीज निकलेगी। जर्नली क्वेश्चनों में जो सोल्ड मशीन है उसका डेप्रिसिएशन दिया होता है, हम क्या करते हैं उसका डेप्रिसिएशन को यहां लिखते हैं और यहां, तो ये चीज निकलती थी। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है, उसने ये दे रखी है, ये निकालनी थी कि जो सोल्ड मशीन हुई उस पर कितना डेप्रिसिएशन एक्युमुलेट हुआ, तो ये 20 यहां जाएगा, तो मशीन की बुक वैल्यू कितनी हो गई? 3,80,000, क्योंकि 4 लाख की कॉस्ट वैल्यू है, 20 उस पर चार्ज हुआ, तो 380 वाली चीज कितने प्रॉफिट पर बिक गई? 30,000, 30 ऐड करो 4,10,000 आ गया। अब इस अकाउंट को बंद कर दो, 12 लाख की परचेजेज आ गई। अब यहां आ जाओ, 12 की परचेजेज दिख रही है तो प्लस कर दो, माइनस कर दो, क्योंकि आउटफ्लो हो गया कैश का। मशीन सोल्ड हुई 4,10,000 की, जो हमने खुद फाइंड आउट करनी थी, क्वेश्चन में मेंशन नहीं थी, गेन बता रखा था कि प्रॉफिट इतना हुआ है, तो 4,10,000 प्लस, दोनों को माइनस करते हैं तो 790 माइनस में आ गया। एक्टिविटी बन गई नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, यूज्ड लिख देना वर्ड। अब फाइनेंसिंग पे आओ, आपको शेयर दिख रहे हैं, देखो 60 लाख से 90, तो इशू कर रखे इनफ्लो है, प्लस कर दो। डिवेंचर आपको दिख रहे हैं 50 से 30 लाख, तो 20 लाख के रिडीम, लेकिन पीछे पॉइंट है कि एट ए प्रीमियम ऑफ रिडीम हुए, तो 20 लाख तो एक प्लस 10% ये, तो टोटल कितना हो गया? 22, ये लिख दो यहां।
उसके बाद अगले पॉइंट पे आओ, डिविडेंड पेड लिखा हुआ है क्वेश्चन में 3 लाख माइनस, क्योंकि आउटफ्लो है, इंटरेस्ट पेड की वैल्यू है, कर दो, इसका करोगे तो टोटल ये बनता है 30,50,000 आउटफ्लो, और इनफ्लो कितना हुआ था 30 लाख, ये भी माइनस में आ गई, ये भी यूज हुई है 50,000, तो दोनों के आंसर क्या दिख रहे हैं, इसका 790 आएगा और इसका आएगा 50,000 माइनस में, और उसका 790,000 माइनस में। इनमें कोई भी डाउट लगता है यू विल आस्क इन कमेंट सेक्शन। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।